हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्या। और आप सब लोग कैसे हैं दोस्तों? जैसे कि आजकल हम बात कर रहे हैं फिजिकल डिसेबिलिटी पे, शारीरिक विकलांगता पे। दोस्तों, कल हमने पोलियोमलाइटिस के बारे में जाना, वो एक शारीरिक विकलांगता थी। आज हम कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रेसी पे बात करेंगे। दोस्तों, लेप्रेसी जैसे कि कहा जाता है कि जहाँ रोग होता है वहाँ विकलांगता नहीं होती या अक्षमता ना होती, लेकिन क्या है, अक्षमता नहीं होती है, लेकिन आज हम जानेंगे इस वीडियो से कि अक्षमता कैसे बदलती है। यानी कि एक लेप्रेसी जो पर्सन है, लेप्रेसी गर्ड जो पर्सन है, वो डिसेबल्ड क्यों बोला गया है उसको, देखते हैं दोस्तों आज की वीडियो में कि लेप्रेसी जो एक रोग है ये विकलांगता में कैसे बदलता है। इसलिए लेप्रेसी कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रेसी कुष्ठ रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस जीवाणु से फैलता है। यह व्यक्ति के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर के हिस्सों को और नसों को प्रभावित करता है, जिसके कारण हाथ, नाक, कान, त्वचा और आंखों और नसों में क्षति हो जाती है। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि जो लेप्रेसी है यानी कि कुष्ठ रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस नाम के जीवाणु से फैलता है। इसका एक जीवाणु जिससे फैलता है, और यह व्यक्ति का क्या कर रहा है, व्यक्ति की ब्रेन यानी कि मस्तिष्क स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी के बाहरी हिस्से को प्रभावित कर देता है, जिसमें व्यक्ति के हाथ, नाक, कान, आंख और त्वचा क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। और अधिक संक्रमण बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। अधिक संक्रमण बढ़ने से व्यक्ति की संवेदना भी नष्ट हो जाती है। यानी कि जो एक ये जीवाणु है, जिसके कारण क्या हुआ, व्यक्ति का जीवाणु से फैलता है, इसने अटैक करने पर क्या हुआ, ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के बाहरी हिस्से को प्रभावित यानी कि इफेक्टिव कर दिया, जिसके कारण हाथ, नाक, कान और त्वचा क्या हो गए, नसें उसकी क्षतिग्रस्त हो गई। दोस्तों, हम कहते हैं कि जहां क्षति होती है वहां क्या होती है, अक्षमता होती है। सबसे पहले देख लीजिए, जब जहां क्षति हो रही है वहां अक्षमता हो रही है, अक्षमता है वह विकलांगता है। तो क्या है, क्षति हो जाती है, अधिक संक्रमण बढ़ने से व्यक्ति की संवेदना नष्ट हो रही है, यानी कि उसकी जो सेंसेशन है वो नष्ट हो रहा है। सेंसेशन का मतलब ठंडा, गर्म, दर्द महसूस होना, ठीक है, इस तरीके की सेंसेशन क्या उसके शरीर में खत्म हो जाती है। हम कह सकते हैं यदि किसी व्यक्ति को चोट लगता है तो दर्द महसूस होता है, लेकिन क्या जो कुष्ठ रोगी जो व्यक्ति है उसको दर्द महसूस नहीं होता है, क्योंकि उसकी सेंसेशन नष्ट हो गई। सेंसेशन क्या हो गई, खत्म हो गई अधिक संक्रमण बढ़ने पर। यदि स्टार्टिंग का होता है तब सेंसेशन खत्म नहीं होती है, उसको ठीक किया जा सकता है उस टाइम पर, लेकिन क्या हो गई, अधिक से अधिक संक्रमण अगर बढ़ गया व्यक्ति का, तब क्या हो गया, सेंसेशन नष्ट हो जाती है और मांस और हड्डियां गलने लगती हैं। यानी कि जब अधिक संक्रमण बढ़ गया तो जो हमारी बोन्स हैं और क्या होता है, वो गलने लगती हैं, घिसने लगती हैं, गिरने लगती हैं। तो जब दोस्तों मांस और हड्डियां गलेंगी तो क्या होगा, हड्डियां यानी कि उंगलियां हो गई या पैर हो गए, क्या हो गया, स्ट्रक्चर बदलेगा। जैसे कि अगर नाक हम ले लीजिए, हाथ, नाक, कान, क्या होगा, अगर ये घिस रही है, गिर रही है, गल रही है, तो क्या होगा, व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा यानी कि अक्षमता आ जाएगी। अगर कान में, अगर वो कान उसका प्रभावित हुआ तो सुन नहीं पाएगा, आंख प्रभावित होगी तो देख नहीं पाएगा। और वो कह रहा है कि त्वचा यानी कि स्किन में इन्फेक्शन हो गया तो क्या हो गया, प्रभावित हो रही ना स्किन, जैसे कार्य नहीं कर पाएगा, जैसे हम कह सकते हैं टच करना या और फीलिंग्स, तो उसकी वहां संवेदना नष्ट हो रही है दोस्तों, ठीक है, नसों को प्रभावित कर रहे हैं यानी कि अंदर की जो नम्स है उनको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो क्या हो रहा है, जब मांस हड्डियां गल रही है तो क्षतिग्रस्त हो रहा है। क्षतिग्रस्त होने के बाद क्या हो रहा है, व्यक्ति क्षतिग्रस्त होने से असक्षम हो जाता है दोस्तों। तब क्या, तब कुष्ठ रोग को यानी कि लेप्रेसी को विकलांगता में बदला है, क्योंकि कुष्ठ रोग, रोग जब तक कम था तब तक तो वो रोग यानी कि वो एक बीमारी जब तक कम था और उसको ठीक करके क्या करते हैं, ठीक किया जा सकता है, लेकिन अधिक संक्रमण बढ़ने से क्या हो गया दोस्तों, संवेदना नष्ट हो गई, मांस और हड्डियां गलने लग गई, ठीक है, और उसके फलस्वरूप कॉन्ट्रेक्चर यानी कि विकृति आ गई। जो एक उसका जो गलने के बाद स्ट्रक्चर था उस हाथ का या पैर का या आंख का, कभी कभी केसेस देखने को मिलते हैं इन व्यक्तियों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और पैचेस पड़ जाते हैं, या हम कह सकते हैं नाक की हड्डियां गलती है तो क्या हो जाती है, वो वैसी की वैसी रह जाती है और एक स्थिति में बदल जाती है, हम कहते हैं स्थायी स्थिति में, मतलब कि बिल्कुल रुक जाता है वो उसी स्थिति में, पुनः सामान्य स्थिति में नहीं आता, स्थायी स्थिति में बदल जाता है, विकृति आ जाती है उसमें। जब विकृति आई दोस्तों तो क्या हुआ, यानी कि कॉन्ट्रेक्चर हो गया, वो
सामान्य स्थिति में नहीं जा सकता, जो क्षति हो जाने के कारण स्थिति, ऐसी स्थिति जिसमें क्षति होने के कारण विकृति आती है और वह सामान्य स्थिति में ना बदली जाए वह अक्षमता क्या होती है, विकलांगता कहलाती है दोस्तों, ठीक है। और फिर कह रहे हैं और व्यक्ति के सार्विक गतिविधियां प्रभावित हो जाती हैं, बिल्कुल सही। जब व्यक्ति के अंग काम नहीं करेंगे, उसकी क्षतिग्रस्त उसकी हाथ नाक कान सारी और नसें क्या हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई, मांस और हड्डियां गलने लगी तो क्या हो गया भाई, उसकी पूरा शरीर प्रभावित हो गया, यानी कि शारीरिक गतिविधियां वह नहीं कर पाएगा दोस्तों। फिर कह रहे हैं एवं कुष्ठ रोगी के शरीर पर पीले रंग के गहरे धब्बे पड़ जाते हैं दोस्तों, जो कुष्ठ रोगी है उसके शरीर पर पीले गहरे धब्बे पड़ जाते हैं। फिर क्या है, गहरे धब्बे पड़ जाते हैं, यह रोग कुष्ठ रोगी के मुंह और नाक से निकलने वाली बूंदों से फैलता है। जैसे कि दोस्तों बहुत ज्यादा छुआछूत वाली बीमारी बोलते हैं लोग इसे, कि उसको उसके पास मत जाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, बहुत ही ज्यादा भेदभाव किया जाता है इन लोगों के साथ दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके पास रहने से फैलता है या इनको छूने से फैलता है, वो कह रहा है कि यह रोग कुष्ठ रोगी के मुंह और नाक के निकलने वाली बूंदों से फैलता है। बूंदे दोस्तों क्या है, जो इनकी नाक और आंख जो है या इनकी जो स्किन है वो प्रभावित हुई है और वो क्या हो रही है, गल रही है, यानी कि नाक या मुंह से जो भी उनके अंदर जो पानी निकलता है, जो गहरे धब्बे यहाँ पड़े हुए हैं उनमें से छोटी छोटी बूंदे निकलती हैं, हम कहते हैं कि बूंदे निकलती हैं, वो बूंदे अगर एक नॉर्मल व्यक्ति को लग जाए या उनके सांसों द्वारा कैसी मुंह के अंदर चली जाए, तब हो सकता है कि संक्रमण दूसरे व्यक्ति को हो जाए। कह रहे छूने या पकड़ने से संक्रमण नहीं होता है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि एक लेप्रेसी पर्सन है और आप कह सकते हो कि उस व्यक्ति के पास जाने से या उसके बात करने से हमको संक्रमण हो जाएगा। जब तक उसकी वो जो उसकी स्किन पर और उसके जो मुंह के अंदर से, या हम कह सकते हैं उसका जो गल रहा है उसमें से वो बूंदे ना निकले, मुंह और नाक से, कह रहा है कि मुंह और नाक से बूंदे ना निकले और दूसरे व्यक्ति तक ना पहुंचे, तब तक ये संक्रमण नहीं फैलता है दोस्तों। आज हमने जाना कि ऐसे ही रोग जो कि बहुत कम था, ये तब तक तो एक रोग था, और बहुत ज्यादा अधिक संक्रमण बढ़ने से क्या हो गया, क्षति हो गई और विकृति आ गई, जिसके कारण ये विकलांगता में इसको ऐड किया गया है दोस्तों। थैंक यू सो मच, आज हमने लेप्रेसी का करा, कल नेक्स्ट इसका कुछ करेंगे दोस्तों। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यदि इससे संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे जाएं, लिंक पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच।